नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों को रोकने के लिए 27 दिसंबर की रात्रि से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान अब दिल्ली पुलिस ने ज्यादा सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। वहीं दिल्ली सरकार भी नियमों का कड़ाई से पालन कराने का काम कर रही है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार रात्रि यानी नए साल की पूर्व संध्या और नए साल के आगमन पर सेलिब्रेशन की रात 11 बजे नाइट कर्फ्यू का पालन नहीं करने पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस की ओर से नाइट कर्फ्यू का पालन नहीं करने पर 31 दिसंबर की रात्रि से सुबह 5 बजे तक कुल 294 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की है। इतना ही नहीं, 870 लोगों का चालान भी काटा। इस बीच देखा जाए तो दिल्ली सरकार ने संक्रमण दर के 0.5% पार होने के बाद से लागू ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP के लेवल 1 येलो अलर्ट को जारी किया गया था। इसके तहत बड़ी पाबंदियों को लगाया गया है। इन सभी पाबंदियों का उल्लंघन करने पर जमकर कार्रवाई की जा रही है। नए साल के आगमन के चलते लोगों ने बीती रात कोविड नियमों की खूब अवहेलना की है, जिस पर पुलिस ने सख्ती के साथ कार्रवाई करते हुए 294 लोगों पर मामला भी दर्ज किया है। बताते चलें कि बीती रात पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का अनुपालन नहीं करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की थी। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के चलते नियमों की खूब धज्जियां उड़ाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस ने भी उल्लंघनकर्ताओं पर जमकर शिकंजा कसा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से अलग अलग उल्लंघन के मामलों में 657 लोगों पर कार्रवाई की है। इसके चलते ड्रिंक एंड ड्राइव करने पर 36, खतरनाक ड्राइविंग करने वाले 103, बिना हेलमेट के ड्राइविंग करने पर 370 और ट्रिपल राइडिंग पर 48 लोगों पर कार्रवाई की गई। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।